उनको चांस उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे। हिंदू एरिया अंदरून सिंध में आता है। इनका जवाब दे मुझे कि सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब इमारात है उनको किन के साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या फिर इंडिया के साथ होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, मुस्लिम मुल्क है सऊदी अरब भी और दुबई भी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तानी लोगों से पूछा है जो सऊदी अरबिया और यूएई जो देश है ना वो इंडिया को क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रहे, पाकिस्तान को क्यों नहीं कर रहे, एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे, इसके बारे में जो है ना पाकिस्तानी जनता से उनकी राय पूछी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बात पर जो है ना पाकिस्तानी जनता क्या बोल रही है। यार एक क्वेश्चन लेकर आया मैं आपके सामने, यूएई पता है ना आपको मुस्लिम कंट्री है और इंडिया का पता ना आपको हमारा पड़ोसी है। यूएई कंट्री के बारे में मैं आपको छोटे से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, यूएई का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1,00,000 kg सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा हर एक सेक्टर के अंदर, क्या वजूहत है? ऑब्वियसली बात है इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएँ तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते वो, मजा वही बेईमानी करते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसी ही रहेगा आगे। और मार्केट एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है, दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं, मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता हम बेईमानी कर रहे हैं, मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता हम झूठ बोल रहे हैं, क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर बायकॉट पाकिस्तानी लिखा आता है, यूएई में जाते हैं यूएई ने अभी शरायत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5,000 dirham आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शरायत रखती जा रही है, क्या डाउनफॉल में जा रही है, इकोनॉमी डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में, स्टेबल नहीं हो पा रहे हम, क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने दो नंबरी की है, दो नंबरी से मुराद दो नंबरी से मुराद के अगर हम कहीं इवन के अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, इसी वजह से आया था आता है तो ये लोग आगे से 2 rupees की चीज़ को 10 rupees का करके बेच देते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं बनती ना। और दूसरी बात अगर आप कहीं भी जाएं तो पाकिस्तानियों को तो परवर्टी कहते हैं वो लोग, टर्की में भी एक आ। और दूसरी बात ये है कि हमारी तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हुक्मरान ऐसे आ गए, हुक्मरानों से कुछ नहीं होता, अगर हम ख़राब हैं तो हमें हुक्मरान भी है। तो अल्लाह ने भी कहा जैसी आवाम होगी वैसे तुम्हें हुक्मरान दिए जाएंगे, अगर तुम जैसे होगे तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो हमें पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा फिर आगे जो है वो। इंडिया क्या वजूहत है वो भी हमारे जैसे ही हैं, थोड़ा सामने देखे कैमरे की तरफ, इंडिया भी हमारे जैसे, वहाँ पर भी लोग हमारे जैसे ब्राउनिश कलर रखने वाले लोग हैं और हमारे तरह के ही हैं यार, अगर हमारी बैक हिस्ट्री भी देखो तो हम जैसे ही हैं, वो ज़्यादा डेवलप कर गए, उनका ट्रेन सिस्टम आप देखेंगे तो वो जापान को बीट कर रहे हैं, अगर आप आईटी देखेंगे तो वो दुनिया को बीट कर रहे हैं, दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या वजूहत है उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? रंग से कुछ नहीं होता, मेंटेलिटी का फ़र्क है। अब यहाँ पे जब हम मैच देखते हैं एडवर्टाइज आता है सुपर बिस्किट का, एडवर्टाइज उस चीज़ का, इस चीज़ का, उधर भी एडवर्टाइज आते हैं लेकिन उधर दूसरी तरफ बायजूस का एडवर्टाइज आता है, उधर दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाते हैं आपको, उधर दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशंस के आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के आते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, तो थिंकिंग का भी फ़र्क है। हम अभी तक वो चिप्स और बिस्किट पे ही फंसे हुए, हम उससे आगे नहीं निकल पा रहे। तो हमारे एक ऐड बनाई गई पाकिस्तानियों ने, ऐड के अंदर ये मैसेज दिया गया कि हम सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे, हम इंडिया को उड़ा देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने भी एक जवाब दिया, कहने लगे कि भाई हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आपसे मोहब्बत करेंगे, आप आओगे हम आपको नाश्ता भी करवाएंगे, आपको वापस भी भेजेंगे। उनके बच्चों ने ये जवाब दिया हमें कि मोहब्बत क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, पीस क्या होती है, उनके बच्चों के ऐड के अंदर वो हमारे उन्होंने काउंटर में जवाब ये दिया। क्या हम पाकिस्तानी अपने आप को ये शो करवा रहे हैं कि भाई हम ताकत में सबसे ज़्यादा हैं, ताकत में दुनिया भी ज़्यादा? क्या आपको लगता है कि जंगे लड़कर के दुनिया को फतह किया जा सकता है या हम जंगे लड़कर किसी मुल्क को फतह कर सकते हैं, क्या ख्याल आते हैं? अगर हम इस बदगुमानी में है कि ताकत के बल पे,
तो दूसरे अगर ताकत के बल पे ये सब होता ना तो कायदे आजम पाकिस्तान ना बनाते। और दूसरी बात यह है, अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फोर्स हमसे डबल है, उनके पास हमसे डबल आर्मी है वेपन्स में भी और लोगों में भी, ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। कारगिल कारगिल करते हैं हम, कारगिल में भी अगर हम जीत रहे थे तो हमें वापस बुला लिया गया था, हम वो जीते नहीं थे, वर्ल्ड बुक्स में हम लॉस्ट कंसीडर हुए थे। क्या वजूहत है कि अगर हम जंग हारे हैं तो भी हमारे किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि हमने इंडिया को पछाड़ दिया, हमने इंडिया को निस्नाबूद कर दिया उनके फौज को, और ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी 8th क्लास की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि जान जो जानी दुश्मन जौन से सिख और इंसानियत के कत्ल करने वाले हिंदू जो कि इंसानियत के खुले दुश्मन है। इस तरह की किताबों में बच्चों के माइंड में इस तरह के जज्बात, बच्चों के दिमाग में इस कदर की नफरतें डालेंगे तो आप यहाँ पर किसी से भी, मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ कि वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में बात ना करो। इसके वो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा खुश भी हैं, उधर ज़्यादा खुश भी हैं। अब वन साइड दिखाते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि वहाँ के इंडियन मुस्लिम ये भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क में खुश हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आज तक कौन सा हिंदू वज़ीर आज़म बना, कौन से किसको बनाया? वहाँ पर अब्दुल कलाम को देखें आप, उन्होंने प्रेजिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, हिस्ट्री भी है। अब लेट सपोज इंडिया में, अब हम क्रिकेट ही देखते हैं ज़्यादातर, इंडिया पाकिस्तान नेशन, इंडिया में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? मोहम्मद शामी खेलता है, मोहम्मद सिराज खेलता है, ठीक है, 2 से 3 प्लेयर होते हैं उनकी टीम में मुस्लिम प्लेयर। पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के अलावा कौन सा हिंदू खेला है? ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें टैलेंट अगर हो भी, और ये नहीं कि उनको चांस नहीं मिले, उनको चांस उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। हिंदू एरिया अंदरून सिंध में आता है, इंटीरियर सिंध में हिंदू रहता है, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे हिंदुइज्म है, तो इंटीरियर सिंध के हालात आप देख लें क्या है, तो उनको कैसे प्रोग्रेस मिलेगी आगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे गुफ्तगू करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू। सवाल का जवाब दे मुझे कि सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब इमारात हैं, उनको किन के साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या फिर इंडिया के साथ होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, मुस्लिम मुल्क हैं सऊदी अरब भी और दुबई भी, तो दोनों को पाकिस्तान के, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, और अभी रिसेंटली जो पेश आया, अभी रिसेंटली जो उनसे दुबई ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया गोल्ड, 2 लाख kg, 2 लाख kg गोल्ड को एक्सपोर्ट कर दिया भाई, के इसलिए कि दुबई जो उनसे इंडिया है वो आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा गोल्ड के अंदर अपने आप को खुद का फील कर ले, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने ना पड़े। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर दुबई जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती है इंडिया को, हमें प्रेफर नहीं किया जाता, कि अभी इंडिया की तरफ रुझान उनका ज़्यादा क्यों हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरे ख्याल से जो इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी बेकारती है उनके वो। अब मुझे एक बात बताएं, थोड़ा इधर आ जाए ना, सामने देखें आपका चेहरा ताकि मेरी ऑडियंस को नज़र आता रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, एक तरफ आपका भाई हो दूसरी तरफ आपका कज़न हो, तो आप किसके प्रेफर करेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपका भाई आपको इतना नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, आपका कज़न आपको ज़्यादा नफ़ा पहुंचाता है, आप किसके साथ प्रेफर करेंगे कि बिज़नेस करने में? अगर एज अ बिजनेस मैन देखा जाए फिर कज़न के साथ, लेकिन अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखी जाए तो मैं अपने भाई के साथ, बेशक मुनाफा इतना नहीं भी दे रहा लेकिन मैं अपने जो भाई के साथ ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर करूँगा। यही तो मिसाल है कि यूएई को। तो देखिए इस भाई साहब ने क्या बोल दिया कि वो बोल रहे कि एज ए ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और एज ए बिजनेस मैन देखा जाए तो वो जो है ना उनको कज़न भाई को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा बोल रहे। लेकिन भाई साहब एक बात बोल देना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे जो आपके लोग, जो आपकी सियासत और आपके जो पाकिस्तानी लोग है उनमें ह्यूमैनिटी है क्या? अगर होती तो जो है ना आप लोग, पूरी दुनिया जानती है कि आप लोग किस टाइप के बंदे हो, किस तरह से सोच रख के चलने वाले। अगर ऐसा रहेगा तो आपका मुस्लिम कंट्री या दुनिया का कोई भी कंट्री आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, ये बात तो सही है। और आप किस तरह से बोल रहे हो कि उनको मुस्लिम कंट्री होने के कारण पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है सब भाई साहब। जब दुनिया में आ रहे हो जहाँ पे जितना जिसका फायदा होगा, जो देश सही में तरक्की कर रहा है उनके तरफ ही हर कोई देश जाता है, वहाँ पे कास्टरिज्म या मुस्लिम या हिंदू सिख कंट्री ऐसा कोई भी नहीं देखा जाता, ये बात तो सच्चाई है, ये बात आप लोगों को भी मान लेनी चाहिए। तो भी अपना कोई ना कोई फायदा तो नजर आ रहा होगा ना, तभी तो वो जाकर इंडिया के साथ कर रहा है। मैंने ये भी साथ कहा कि अगर एज ए ह्यूमैनिटी देखा जाए, और अगर ह्यूमैनिटी आज के टाइम में रही है,
बस यही बात है, ह्यूमैनिटी नहीं रही अब के टाइम में। हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उनको नहीं पता कि ह्यूमैनिटी क्या है, गरीब आवाम के बारे में सोच नहीं रहे, उनके अकाउंट में भरे पैसे पड़े हुए। सबसे बड़ी बात, हम दूसरे मुल्कों में, दुबई में या सऊदी अरब में क्यों जाएं, हम अपने मुल्क में देख लें, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं हमसे पैसा खा खा कर लंदन में अपने फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लैक मनी जो है उधर अपनी भेजी जा रहे हैं। आपको पता, आपको पता दुबई के अंदर अब एक हिंदुओं का मंदिर बनाया गया जिसके अंदर तकरीबन 13 जो उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई, मूर्तियां बनाई हुई हैं जो हिंदुओं के लिए ओपन किया हुआ है कि आप आओ यहाँ पर इबादत करो, क्या ये सही किया है गलत? बहुत इंतहाई गलत स्टेप है ये। और दूसरे नंबर पर मैं आपको सऊदी अरब का भी बताऊं, सऊदी अरब में पहले फीमेल ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, पब्स नहीं थे, क्लब्स नहीं थे, अब सऊदी अरब तक में जिधर इसका अल्लाह ताला का खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, इसके बावजूद जो है सऊदी अरब में पब्स भी हैं, इसके अलावा क्लब्स भी हैं, जो जहान के जो दो नंबर काम है वो सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। तो क्या समझते हो फीमेल्स को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, सऊदी अरब में पहले अलाउ नहीं था लेकिन अब उधर अलाउ हो चुका है। क्यों सऊदी अरब में एक ये चीज़ें अलाउ हो रही है? ये अब उनको बताओ कि वही बात है कि जो दो नंबरियाँ, ये तो मेरा ख्याल है कि ये क़यामत की निशानियों में से भी एक था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सऊदी अरब में होंगी जो अब आजकल हो रही हैं, वो इंडियंस को यानी कि हिंदुओं को ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा जो है वो हिंदुओं को प्रेफर करते हैं, सऊदी अरब में हो गए, सारी ये दुबई में हो गया। लोगों ने तो ये देखना ना कि एक कंट्री ने ये देखना कि मेरी इसमें कितना बेनिफिट है, तो अपना बेनिफिट नहीं देखना चाहिए? बेनिफिट देखना चाहिए, फिर अब ये उन कंट्रीज़ को बताओ, लेकिन मैं आप जैसे बता रही हूँ ह्यूमैनिटी तो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी इसके बाद आप किसको प्रेफर करेंगे, ह्यूमैनिटी को या फिर बिजनेस को? ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी को आप बताएं? यही ह्यूमैनिटी को ही। यही सही हो गया, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, थोड़ा नज़दीक आए आप। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये था मेरा कि गोल्ड इंडिया को प्रेफर कर रहा, हर चीज़ के अंदर आप देखोगे इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं आजकल जो कर रहा है इंडिया कर रहा है यूएई के साथ, पाकिस्तान को पीछे बैकहैंड पे फेंक दिया गया, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयान है, ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नज़रों से नज़रें मिला कर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना लें। आप बताएं कि मांगने वाली कौम की इज्जत होती है? मांगने वाली कौम की इज्जत नहीं होती, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है वो अपने मुल्क की इज्जत बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे आजकल हुक्मरान है वो अपने मुल्क की इज्जत नहीं बना सकते, वो जिधर जाता है वो यही शो करने पहले ही शुरू यही करता है, शुरुआत इस चीज़ से करता है कि मैं मांगने आ गया हूँ, वो खुद अपना इमेज ऐसा क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आने वाला टाइम क्या देख रहे हैं आप? खान साहब देख रहे हैं, तो ये जो उनसे टाइम गुजर रहा है इसके बीच में आप क्या समझते हो कि कौन सी कंट्री इस टाइम की मोस्ट पावरफुल है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इस टाइम अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडिया ऑब्वियसली ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हुक्मरानों की वजह से, हुक्मरान हमें कोई अच्छा नहीं मिला। तो हम सोचे कि हमको ठीक है। हाँ बस ये सबसे बड़ी बात, ये तो सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि जैसी आवाम होती है वैसे उसको हुक्मरान मिलता, हम खुद भी नहीं ठीक, हम खुद हमारा जिधर दिल करता है हम करप्शन करते हैं, चूना लगाते हैं। अहमद खान का बयान नहीं है, कुरान मस्जिद में लिखा हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि देख लिया कि एक भाई साहब ने बोल भी दिया कि किस किस तरह से एंकर भी बोल रहे थे कि आठवीं क्लास में जो है ना हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से पाकिस्तान के मदरसे में सिखाया जाता है, पाकिस्तान के स्कूल में सिखाया जाता है, किस तरह से नफरत जो है ना ये एजुकेशन लेवल से ही इन लोगों के में कूट कूट के भरी है। हर एक आदमी जो है ना पाकिस्तान का गलत नहीं है, पाकिस्तान में कुछ अच्छा सोचने वाले भी आदमी है, जैसे ये भाई साहब ने जो सच्चाई जो रियलिटी है वो साफ साफ बता दिया, उन्होंने बता दिया किस तरह से हमारी आर्मी है, किस तरह से हमारी जनता है और किस तरह से पाकिस्तान से दुगना है, ये रियलिटी उस भाई साहब ने बता दी। लेकिन आपकी सियासत और आपकी एजुकेशन लेवल में बचपन से ही जो है ना आपके बच्चों के दिमाग में नफरत अगर फैलाते रहोगे तो कैसे आगे की जो पीढ़ी है ना किस तरह से आगे ना? तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी लोगों ने रिएक्शन दिया है उसको देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।